नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज़। सत्तम शाहबाद डेयरी में मौजूद हैं, जिसका नाम ना केवल दिल्ली में बल्कि देश में भी हर कोई जानता है। आपको बता दें, ये पीछे वही दीवार है जहां पर साक्षी नाम की लड़की का कत्ल हुआ था। आपको बता दें, अब साहिल को 2 दिन की पुलिस की रिमांड में भेज दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि उसने हथियार, जिस चाकू से साक्षी की हत्या करी थी, उसे 15 दिन पहले ही जो साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं वहाँ से खरीद लिया था, यानी उसकी हत्या की मंशा पहले से ही थी। साथ ही आपको बता दें कि साक्षी ने अपने हाथ पे एक परवीन नाम के लड़के का टैटू गुदवा रखा था, जिसके साथ ही और इसी बात पर साहिल और साक्षी की अनबन हो गई थी। आपको बता दें, साहिल ने साक्षी को साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि वो किसी भी लड़के से बात ना करें, लेकिन एक ब्रेकअप होने के बाद वो दोबारा से परवीन से बात करना उसने शुरू कर दिया था, और इसी वजह से अचानक ब्रेकअप होने के कारण साहिल ने साक्षी की हत्या कर दी, ऐसा उसने कुछ पुलिस को बताया है। साथ ही आपको बता दें, जब उसने हत्या करी तो वो रिठाला गया, और रिठाला जाने के बाद उसने उस हत्या जिस चाकू से करी थी उसको कहीं छुपा दिया। आपको बता दें, अभी तक पुलिस को भी वो चाकू नहीं मिला है, जो कि एक अहम सबूत साबित होगा। साथ ही आपको बता दें कि उसके बाद साहिल जो है 2 बस पकड़ के बुलंदशहर गया, जहां पर उसकी बुआ रहती थी और वहां पर वो रहा। फिलहाल की बात यह है कि साहिल को पकड़ लिया गया। अब इसके आगे की और क्या अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे, और ऐसी खबरों के लिए डबल ए न्यूज़ आप देखते रहें।